खबर रीवा के मऊगंज से है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रही क्लिनिकों की शिकायत पर मऊगंज सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एमडब्ल्यू मसूरी द्वारा संयुक्त टीम गठित कर डिगवार खैरा और तंबरी गांव में छापामार कार्रवाई की है। टीम आने की भनक लगते ही हड़कंप मच गया है। अपनी अपनी क्लिनिक बंद कर क्लिनिक संचालक गायब हो गए हैं, जिसके बाद जांच टीम द्वारा क्लिनिकों में नोटिस चस्पा करते हुए उल्लेख किया गया है कि 2 दिवस के अंदर समस्त दस्तावेज लेकर कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल मऊगंज के कार्यालय में उपस्थित हों। संयुक्त जांच टीम में सिविल अस्पताल मऊगंज के बीएमओ एमडब्ल्यू मसूरी, नायब तहसीलदार श्री मार्को एवं सिविल अस्पताल मऊगंज के बीई समीर खान द्वारा शिकायतों के आधार पर अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों की जांच करने पहुंचने पर क्लिनिक संचालकों को टीम आने की भनक लग गई तो अपनी अपनी क्लिनिक बंद कर सब भाग निकले। किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक अवैध क्लिनिक संचालित की जा रही है, लोगों का इलाज किया जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे जांच दल के साथ यहाँ किसी के द्वारा सूचना दी गई कि आप खुद जांच करने के लिए आए हुए थे? कई बार हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पे हम यहाँ पे आज जांच के लिए आए हुए हैं। जी। तो जांच के उपरांत आपने कुछ कार्यवाही की या देखे जांच के ऊपर क्या हुआ? जांच के दौरान देखा गया कि जैसा आप देख रहे हैं कि क्लिनिक बंद है, खास पड़ोस से पता किया कि हमें क्लिनिक संचालित हो रही है अवैध तरीके से। हमने नोटिस चस्पा किया है, उनको समय दिया है 3 दिन के अंदर समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हों, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।